हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4,85,00,000 लोगों को, 4,85,00,000 टीके लगे हैं, डोसेस मिले हैं। 4 करोड़ से भी अधिक है जिनको दोनों डोज, एक डोज मिला है, और ऊपर 80,00,000 लगभग लोग ऐसे हैं कि जिनको दूसरा डोज भी मिला है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,50,000 इतने डोसेस कल 24 घंटे में दिए गए हैं। और कितना अच्छा चल रहा है, तेजी से चल रहा है। फरवरी में जहां रोज का एवरेज मंथली, यानी 30 दिन का एवरेज रोज 3,77,000 था, मार्च में वो 15,54,000 हो गया, लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ा। और पिछले सप्ताह में भी रोज 20,00,000 हुए और कल 32,00,000 हुए। तो भारत में वैक्सीनेशन का काम अच्छे तरीके से चल रहा है और तेजी से भी चल रहा है। आपको ये भी मालूम है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सब के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा की गई और वो आज भी जारी है। कुछ लोग जो बचे हैं उनका आज भी हो सकता है। फिर 16 फरवरी से 60 से ऊपर जो बुजुर्ग है, उन सबको, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन मिलने की सुविधा उपलब्ध करी थी। और 45 से 60 तक जिनकी उम्र है, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सीन अभी तक मिलता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1 अप्रैल anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर, टास्क फोर्स के सलाह से, कि जो वैक्सीन के दरमियान, ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है, सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें।
और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था, और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले, और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड वन इम्पॉर्टेंट इश्यू ऑफ मोर वैक्सीनेशंस। एज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड स्पीडी एंड गुड वैक्सीनेशन कैंपेन, टिल टुडे वी हैव प्रोवाइडेड वैक्सीनेशंस टू द ट्यून ऑफ 4,85,00,000 वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in phases to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now, today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by these scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity. And supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure ki is nirnay ka sabhi log swagat karenge aur utsah se वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे, मुझे इतना ही कहना है। नंबर 29। सर मैं लक्ष्मण हूँ सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के। क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपये में एक डोज मिलता है। और अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि कर्मचारी वहाँ जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रीइंबर्स भी किया। तो आज निर्णय ये हुआ है, आपका सुझाव हमने सुना है। यस कौन सा
आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की, उस वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर, पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर, तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है मतलब वहां का वो जो वायरस होता है। ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार, लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेंगे, लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है।